नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइव इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर अपकमिंग क्लर्क एग्जामिनेशन। तो कल जो आपका एग्जामिनेशन होगा उस पे जो है हम परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए कुछ पांच तरीके जो हैं अपना सकते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो पहली बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बी काम कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट। ये तीन चीज़ें आपको करनी हैं। ट्रिपल सी इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। देखो, काम रहना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, एक गिलास जो है पानी का एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले ज़रूर लें, ठीक है। तो इससे क्या है, आपके दिमाग को ऑक्सीजन जाएगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो काम रहना है बिल्कुल, इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है आपको देखने को मिलेगी। आपका जितना दिमाग शांत रहेगा उतने ही क्वेश्चन जो है आप आसानी से जो है अपने दिमाग को फुल यूटिलाइज करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंट आपने बिल्कुल रहना है, जो भी आप करके गए हो कॉन्फिडेंट उस पर बिल्कुल रहना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन आपने पहले वही करने हैं जो आपको ईजी लगते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर जाओगे तो आपका मोरल जो है ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में ही डाउन हो जाएगा, और आपको जो ईजी क्वेश्चन आते भी होंगे वो भी आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए है दोस्तों, ईजी पार्ट जो है सबसे पहले करना। अब मेरे लिए कुछ और ईजी होगा, एक दूसरे बंदे के लिए कुछ और ईजी होगा। जिसको एच पी जी के अच्छा लगता है, मतलब उसकी तैयारी अच्छी है उस सब्जेक्ट में, पहले वो करना, फिर बाकी के क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करिएगा, अदरवाइज आपका पेपर छूट भी सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 170 क्वेश्चन में से आपको 170 क्वेश्चन पूरे के पूरे आते हैं, कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जीके का मैक्सिमम पार्ट रहता है, और जीके आप जितनी भी पढ़ लो उतनी कम है। तो एलिमिनेशन टेक्निक आपने यहाँ पे यूज़ करनी है दोस्तों, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक से अपने आंसर देने होंगे आपको। अगर मान लो आपको ए बी सी डी में से दो ऑप्शन आपको पता है कि मतलब ये हो ही नहीं सकते, तो वो होती है आपकी एलिमिनेशन टिक। आप दो उनको जो है आप क्रॉस कर दीजिए, अब ये दो बचे 50-50, ठीक है। जैसे केवीसी में खेलते हैं ना 50-50, तो बिल्कुल जो है आपने ध्यान से इसका आंसर देना है कि क्या हो सकता है, जो भी आपको क्लोज लगता है वही आप उसका आंसर देंगे। तो एलिमिनेशन टेक्निक जो है आपने ज़रूर यूज़ करनी है। फोर्थ चीज़ हम डिस्कस करते हैं, देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फेथ है किसी चीज़ में तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो फेथ अपने आप पे रखिए, जो भी आप पढ़ के गए हैं, जो भी आप स्टडी की है। ऐसा तो नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एचएएस की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए टाइम लगेगा, आपके लिए जो है 2-3 मंथ्स की तैयारी भी काफ़ी है क्लर्क के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो कईयों ने जो है 2-3 दिन में ही तैयारी की होगी, तो कई जो हैं जो मंथली तैयारी कर रहे होंगे, मंथ से तैयारी कर रहे होंगे, तो अपनी तैयारी पे बिल्कुल विश्वास रखिए। चाहे आप 7 दिन भी तैयारी करके जा रहे हैं, तो अपने आप पे भरोसा रखिए कि मैं ये एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकता हूँ। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इंटेलिजेंट गैस करना है दोस्तों, ठीक है। तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने हैं, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाला समय चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, इंटेलिजेंटली गैस करना है। जो भी आपको करीबी लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, वही आपने चुनना है। और जो है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, वो आप वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन को आपने एंड में जाके अटैम्प्ट करना है, ज़रूरी नहीं है तभी जो है आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। थोड़ा दिमाग लगाइए उस क्वेश्चन पर, एंड में जाके जो है आप लोगों ने उस आंसर पर टिक लगाना है, ठीक है। तो जल्दबाजी में जो है नहीं क्वेश्चन अगर आता है, तो वहीं पे आपको जो है उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। तो ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लास्ट मिनट टिप्स, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना दोस्तों। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लर्क एग्ज़ाम। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।